गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है 4 नवंबर और आज है इगास, मतलब बूढ़ी दिवाली भी बोली जाती है कहीं कहीं, तो हम लोग बोलते हैं इगास। तो दिवाली हमारी सेलिब्रेट हुई थी देहरादून में, और ये जो इगास है ये मैं सेलिब्रेट करूंगी यहाँ हल्द्वानी में। तो क्या होता है ना कि वहां पे हमने दिवाली की थी, यहाँ पे कुछ नहीं किया था, तो यहाँ भी जरूरत है हमें लक्ष्मी जी की। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ भी थोड़ी प्रिपरेशन की है, जितना मुझसे हो सकता है तो उतना मैंने करने की कोशिश की है। तो शॉप से आके मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन करी आके, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ मैं उस चीज को। तो चलिए फिर आप देखिए मेरा वो ब्लॉग, और मैं आपको मिलूंगी सीधे पूजा के बाद। तो चलिए फिर आप इंजॉय करिए। तो यहाँ पे मैंने चने रखे हुए थे भिगाने के लिए, छोले बनाने के लिए, और ये मैंने उड़द की दाल पकौड़ी बनाने के लिए भिगा के रखी हुई थी सुबह से। तो ये दाल मैंने धो ली है, तो अब इसे पीसते हैं। दाल पिस गई है, अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ, जब बनानी होगी तब यूज़ कर लेंगे, नमक वगैरह मतलब तभी डालेंगे इसमें। तो ये आटा भी गूंद के रख दिया है मैंने पूरियों के लिए। तो किचन के काम ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, अभी चने बन रहे हैं, मतलब पक रहे हैं, अभी छुपाके नहीं है मैंने। तो जब तक चने उबलते हैं तब तक बनाते हैं लक्ष्मी जी के लिए एक माला, तो फूल लेके आई हूँ मैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। छोटी छोटी सी, तो अभी मैंने मंदिर साफ किया, आके झाड़ू पोछा किया, मंदिर साफ किया, तो अभी भगवान जी लगा नहीं रखे हैं। तो चलिए थोड़ा मंदिर की भी करते हैं डेकोरेशन। तो भगवान जी अभी ऐसे रखे हुए हैं सारे इधर उधर, तो चलिए पहले लगाते हैं मंदिर। तो ये कान्हा जी को भी तैयार कर दिया है, आज मैंने इनकी ड्रेस चेंज की और ये मैंने मंदिर सजाया। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। तो मैंने मंदिर भी सजा दिया है, अब पहले मैं खाना बना देती हूँ, मतलब पूजा के लिए बना देती हूँ थोड़ा बहुत, फिर मैं बाद में बना लूंगी। तो चने छौंक देती हूँ, अभी 6:30 ही हो रहे हैं, और पकौड़ी बना देती हूँ बस।
चलिए पहले बनाते हैं। तो पकोड़ी बनाने के लिए उड़द की दाल ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े बहुत मसाले, नमक और मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें हींग बस, और इसे हम फेंट लेंगे अच्छे से। तो अब हाथों में पानी लगा के और फिर हमें बनानी है ये पकौड़ियाँ। इससे पानी लगा के क्या होता है ना, हाथ में चिपकती नहीं है। तो मेरे पास तिल थे तो मैंने ये तिल लगाए हैं ऐसे बीच में। अभी मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस टाइप से बनाने की, लेकिन मैंने घर पे भी इसी टाइप से बनाए थे और यहाँ भी मेरे पास तिल थे तो यहाँ पे भी मैंने इसी टाइप से बनाए। तो आपके पास अगर तिल ना हो ना तो आप जीरा लगा सकते हो बीच में, और गढ़वाल का तो फेमस है उड़द दाल की पकौड़ी। कोई भी शुभ कार्य होता है तो उड़द की दाल की पकौड़ी तो बनती ही बनती है। तो यहाँ पे पूजा के लिए मैंने चार पूरियाँ भी बना दी हैं, तो बस ये अब लगा दी है प्रसाद की थाली। प्रसाद की थाली में रखे हैं फ्रूट्स, मिठाई और खील बतासे, और ये मैंने दिए भी रेडी कर दिए हैं। तो बस इसके लिए मेरे पास ना लंबी वाली बत्तियाँ नहीं थी, यही बत्तियाँ थी तो मैंने इसलिए यही वाली यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले पूजा करते हैं फिर जलाएंगे दिए। क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है, तो बनाते हैं फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो खाना बना के आई हूँ अभी नीचे में, और कार्तिक पलक को फोड़ने हैं पटाखे, तो उन्होंने बुलाया मुझे भी कि आप भी आओ नीचे। तो मैं आई हूँ और मैं दिखा रही हूँ कार्तिक पलक ने क्या मंदिर सजा रखा है मस्त सा। तो ये देखिए मंदिर, वहाँ कार्तिक ने तो बड़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। अभी तो मैंने मालाएं सारी निकाल दी। हाँ बाप रे, मम्मी तो कितनी गंदी है। अरे हमारी लक्ष्मी तो अब दिवाली में कभी रहती नहीं, हम लोग तो लक्ष्मी भी बनाते हैं कि आटा निकाल देते हैं उसको। मतलब क्या ऐसा बनाते हो काई से? गन्ने से, मतलब उसपे लहंगा पिटवा डालती हूँ, नया लाई थी मैं इसमें, मतलब कराई था। इस बार ज्यादा पूजा पाजा नहीं रहता हमारा, पूजा का रहता है कि नहीं रहता, क्या बोल रहे हो? पूजा का ही रहता है। और ये देखिए कितनी अच्छी रंगोली बनाई है, ये रंगोली बनाई है पलक ने। तो आजकल के बच्चे मतलब पढ़ने में तो है ही अच्छे, लेकिन क्रिएटिविटी में भी बहुत ही अच्छे हैं। हम लोगों की तो आर्ट ही बिल्कुल ही बेकार थी, आर्ट तो थी नहीं अच्छी। तो ये देखिए अभी हम फोड़ रहे हैं पटाखे।
फोड़ दो, दिवाली के दिन फोड़ दो। एक कागज लेके आओ यार, मैं उसको जला दूंगा। ये क्या है, ये फोड़ने वाला था मैं बना रही इंजेक्शन जैसा। क्या क्या बनाया यार, हमारा टाइम में नहीं होता था ना भाभी, इतना हमारे खर्चा भी कोई नहीं करता ना, होते तो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं था, पर आया कोई नहीं चाहते ना, इतने छोटे छोटे गिरी लागते, दो मिनट में भी बंद हो जाते हैं, आग ऐसी चल रही है। चल कार्तिक वो चल, पलकू उधर से उछल ना, उधर के आगे की तरफ से, ये देखो एक्सपर्ट आदमी, पटाखे फोड़ने में एक्सपर्ट, फेल हो गया एक्सपर्टनेस। आई थिंक सो एक्सपर्टनेस कोई वर्ड नहीं होता, अगर होता तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एकादशी पता नहीं, हमारे यहाँ तो आज ही तक है, फिर तब तो हो गया यार, उन्हें पटाखे बचे रहेंगे, फोड़ेगा कोई नहीं, ने तो क्या कहना चाहिए, ये फोड़ता नहीं है, ये आज ही दीदी के चक्कर से आया है, अगले साल हो जाएंगे। उधर से जाओ, उधर गेट की तरफ से आप बनेगा वीडियो। अरे हमारे बन रखे फूलझड़िया, हमारे फूलझड़ी बन रखी, फूलझड़ी भी नहीं चल रही यार भाभी। हैप्पी दिवाली बोलो ना पहले। हैप्पी दिवाली कार्तिक, ये यहीं तक क्या डर गया था बेचारा। मैं ये तो बोल रही हूँ कि हम हमारे फूलझड़िया है, रुका रुका रुका, एक वीडियो बन दी है मम्मी, ये भी लाइक इट, जो पिछले बार मैंने साड़ी पहनी थी, मम्मी का पटाखा देखो, अब देखते हैं बाबा इन कुत्तों को देख के बड़ी डर लग रही है। ये देखना जरा, कंटर बम और सुतली बम फोड़ने के तरीके देखना, बाप रे पेपर में जल जाएंगे ये कार्तिक। दीदी भी लाइक इट, देखो कैसे देख रही है आप, नहीं हो गाइस, आ गई यूट्यूबर दीदी को, तो मैं देख रही थी पटाखा फूटा कि नहीं फूटा, मतलब इसने छह एक साथ ही रख दिए थे, फूटे कि नहीं फूटे, तो ये मेरा मजाक बना रहे हैं कि देखो कैसा डर डर के देख रही है, तो मुझे रियली डर लगता है पटाखों को देख के, तो इसलिए मैं हाथ भी नहीं लगाती हूँ। तो भाभी तो मेरे से भी ज्यादा और डर रही थी, कह रही थी ये बाप रे हाथ में मत ही उठाओ इन पटाखों को, तो बस वही देख रहे थे। तो पटाखे वटाखे फोड़ लिए हैं, अब खाते हैं हम खाना, तो खाने में है छोले पूरी पकौड़ी और दही। हैप्पी दिवाली। तो खूब सारा एंजॉय करने के बाद और खाना पीना खाने के बाद जब ये वाला मोमेंट आता है ना, तो बहुत ही दुख होता है इस चीज से। तो अभी आ गई थी मैं नीचे से, हो गया है 1.5 घंटा, तो काम वाम सब निपटा दिया है, चेंज कर दिया है, खाना वाना खा लिया है, तो अब थकान जैसी भी लग रही है, तो बस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। तो आप सब लोगों को एगाज की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। तो कल का ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग मैं ना जल्दी डालने की कोशिश करूँगी, जब भी मतलब मैं फ्री होंगी, क्योंकि ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए मेरे पास पहले के, तो जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं पहले इस ब्लॉग को डालूंगी, फिर जो पहले के ब्लॉग्स हैं जो पुराने हैं वो मैं फिर बाद में आराम आराम से डालती रहूँगी। वैसे कोशिश तो मैं ये कर रही हूँ कि दो ब्लॉग मैं एक दिन में डाल दूँ, फिर अपना जो रूटीन रहेगा उसमें ब्लॉग्स आ जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, दिन में भी नहीं हो पा रहा है पॉसिबल, और रात को भी नहीं हो पा रहा है पॉसिबल ऐसा करना, तो एक ही टाइम का ब्लॉग मैं कर पा रही हूँ एडिट। तो बस
चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, आपकी ईगास कैसी रही वो भी बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे कल के ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।